ये आपकी स्क्रीन पे बिल बीपी नाम का एक आइकॉन है, बिल प्रो आइकॉन है। इस यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद लॉगिन आईडी और पासवर्ड एडमिन एडमिन है, लॉगिन पे क्लिक कीजिए। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद ये आपकी बिलिंग बिल प्रो सॉफ्टवेयर की स्क्रीन आ जाएगी। ये मेडिकल्स रिटेल्स और होलसेल के लिए ये है, मेडिकल में रिटेल्स होलसेल दोनों इसमें मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे मास्टर्स पे, मास्टर्स पे आइटम मास्टर्स है, अकाउंट्स है, एचएसएन है, सेक्शन है, सब सेक्शन है, कंपनी है, रैक्स है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट्स है, सेल्स पर्सन है, डॉक्टर्स हैं, साल्ट है। सबसे पहले हम जाएंगे एचएसएन पे, यहाँ से हम एचएसएन क्रिएट करेंगे। एचएसएन जीएसटी में टैक्स के लिए एक एचएसएन कोड डिफाइन किया गया है प्रोडक्ट का। एचएसएन यहाँ से डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर डाला भी है, सिरप का, ड्रॉप का, टेबलेट, लोशन, सिरप, एक हम एचएसएन क्रिएट करते हैं। हमने डाला एचएसएन नंबर है 300049, टैबलेट्स का 12% में है, 12% यहाँ डाल देंगे, ऐड कर लिए। अगर आपके पास एचएसएन का एक्सेल है तो यहाँ शो इंपोर्ट पैनल पे जाके एक्सेल में भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसको क्लोज करते हैं एचएसएन मास्टर को। फिर एचएसएन के बाद हम सेक्शन पे गए, सेक्शन क्रिएट कर लेते हैं। जैसे ऑलरेडी इसमें सेक्शंस बने हैं, टैबलेट्स का एक हमने सेक्शन बना लिया। वैसे पॉपुलेट करेंगे तो और बहुत सारे आपको सेक्शन, पाउडर्स का, सीरप्स का, इंजेक्शन का, ड्रॉप का, लोशन का, कैप्सूल्स का, सारे सेक्शन बना है। कुछ भी आपको सेव करना है, आल्ट एस, कुछ नया ऐड करना है आल्ट ए, सर्च करना है आल्ट एच, डिलीट करना है आल्ट डी से करेंगे। क्लोज करने के लिए क्लोज पर गए, क्लोज। सब सेक्शन है, सेक्शन के अंदर आप चाहते हैं टैबलेट्स के अंदर बहुत सारी वैरायटी डालना तो यहाँ पे सब सेक्शन भी आप क्रिएट कर सकते हैं टैबलेट्स के अंदर, और कुछ जितने टाइप्स के टैबलेट्स होंगे डाल सकते हैं यहाँ सब सेक्शन में। कंपनी, कंपनी में जो भी कंपनी होती है, कंपनी यहाँ पर कंप्लीट कर लेते हैं। ब्रांड बोलिए या कंपनी बोल सकते हैं उसको। कंपनी में जैसे ऑलरेडी कंपनी फिट्स है, सिप्ला, सन फार्मा, लुपिन, गैलेस्को स्मिथ, रैनबैक्सी, सारे कंपनी फीड है। ऐसे कंपनी हम जाके यहाँ पे फिल कर लेंगे। उसके बाद आपका है रैक्स, रैक्स भी डाल सकते हैं। जिस रैक्स में आपका S1 रैक है, S1 कर लीजिए, S2 रैक है, ऑलरेडी ये बता रहा है रैक्स इसमें पड़े हैं, S1, S2, S3, ये सारे रैक्स आपके इसमें जनरेट हैं। इसको क्लोज करते हैं। उसके बाद हम सीधे आइटम्स में आएंगे। आइटम्स में आने के बाद आइटम डिस्क्रिप्शन में हम डालेंगे, जैसे हमने डाल दिया शॉर्ट शॉर्टल AM40MG। एचएसएन पे जाएंगे। अगर एचएसएन पे आपको कोई न्यू एचएसएन बनाना है तो यहाँ F3 क्लिक करेंगे तो न्यू एचएसएन की विंडो खुल जाएगी। जो भी न्यू एचएसएन होगा यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जब टैबलेट हमने सेलेक्ट कर लिया, चूज कर लीजिए, ऐड भी कर सकते हैं वैसे। फिर यूनिट्स में डाल देंगे हम, सेल जो यूनिट होगी टैबलेट्स में होगी टैबलेट्स डाल देंगे, परचेज यूनिट्स हमारा जो होगा स्ट्रिप में होगा स्ट्रिप डाल देंगे, कन्वर्जन में डाल देंगे, ये 15 का कन्वर्जन है तो 1:15 कर देंगे यहाँ पे। सेक्शन में हम डाल देंगे टैबलेट्स, कंपनी में हम डाल जो भी कंपनी का है कंपनी फिल कर देंगे, इंटास फार्मा है, इंटास डाल दिए। परचेज प्राइस पे गए, परचेज प्राइस पे आप जो भी इसका परचेज प्राइस पड़ता हो आपको, 140 पड़ रहा है 140 डाल दिए। MRP 159, पूरी स्ट्रिप का हम डालेंगे, सेव कर लेंगे।
ऐड पे जाएंगे, न्यू आइटम ऐड करेंगे। हमने एक आइटम और क्रिएट कर दिया, पेन टॉप डी, पेन टॉप डी टैबलेट्स है, टैबलेट्स में डाल दीजिए। यहाँ पे टैबलेट्स करेंगे सेल यूनिट में, परचेज यूनिट आप स्ट्रिप में करते हैं, बॉक्स में करते हैं, वो डाल सकते हैं। स्ट्रिप में हमने कर दिया परचेज जो हमारा होता है। यहाँ टैबलेट्स हमने फिट कर दिया, ये आपका एरिस्टो फार्मास्यूटिकल का है, उस एरिस्टो कर दिए कंपनी। प्राइस पे गए, आप यहाँ रैक्स भी डाल सकते हैं, रैक्स अगर कुछ आपका रैक्स है, S1 S2 है, रैक नंबर भी डाल सकते हैं। परचेज इसका प्राइस हमने डाला, ये आपको 56 में पड़ता है, MRP है 89.90 MRP हमने डाल दिया। सेव कर लेंगे, कन्वर्जन कन्वर्जन यहाँ पे हम डालेंगे 10 1 × 10, कन्वर्जन नहीं हमने फिल किया था, कन्वर्जर बोल रहा था, इसको शेप कर लेंगे। इस तरह सारे आइटम्स हम ऐड कर सकते हैं यहाँ से, आइटम मास्टर से। अगर कोई आपका एक्सेल में शीट है तो यहाँ F2 बटन दबाएंगे, F2 दबाने के बाद अगर आइटम देखना चाहते हैं तो परसेंट दबा सकते हैं या सर्च भी कर सकते हैं। जैसे हमने सॉर्टल लिखना है तो ऐसे लिखे, सॉर्टल से आ गया, या परसेंट दबाएंगे तो आ जाएगा। अगर आपके पास आइटम मास्टर ऑलरेडी है तो आप शो इंपोर्ट पैनल पे जाके आप एक्सेल शीट को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आपका आइटम मास्टर ओके हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन में परचेज, जो सप्लायर से हमने माल परचेज किया, सप्लायर से जो भी हम गुड्स परचेज करते हैं, यहाँ परचेज में हम उसको फिल करते हैं। अगर आपको कोई न्यू सप्लायर जनरेट करना है तो ऐड अकाउंट पे जाएंगे, यहाँ से न्यू सप्लायर जनरेट कर सकते हैं। हमने जैसे एक हमने सप्लायर जनरेट कर दिया XYZA फार्मा, सप्लायर्स होंगे उनके GSTN नंबर हमने डाल दिया, पैन नंबर हो, एड्रेस डाल दीजिए, एड्रेस यहाँ फिल कर दीजिए, स्टेट फिल कर दीजिए, स्टेट में आप दिल्ली डाल दीजिए, सेव कर लीजिए, क्लोज कर देंगे। यहाँ F2 बटन क्लिक करेंगे, ये आ गया XYZA फार्मा, उनका बिल नंबर कोई है तो यहाँ बिल नंबर जनरेट कर सकते हैं। बिल नंबर हमने इनका डाल दिया, यहाँ पे डेट डाल दिया 10/9/2018, चलान नंबर है, चलान डेट है, परचेज ऑर्डर नंबर है, परचेज डेट है, यहाँ से फिल कर सकते हैं। पेंटॉप, पेंटॉप हमने यहाँ सर्च किया, 10 स्ट्रिप पेंटॉप आया, हमने 10 स्ट्रिप फिट कर दिया। बैच बैच यहाँ पे हम वहाँ पेंटॉप का बैच डाल देंगे, S3780008 हमने इसका डाल दिया, March 22, एंटर कर दिया। ऐसे हम शॉर्टल एम पे जाएंगे, शॉर्टल एम आ गया, ये 20 स्ट्रिप आया तो 20 स्ट्रिप डाल दीजिए, यहाँ इसका भी बैच हम डब फिल कर देंगे, KXAA78, यहाँ पे एक्सपायरी हमने इसका डाल दिया, एक्सपायरी है अप्रैल 21, एंटर कर दिया। ऐसे बहुत सारे आइटम्स इसमें ऑलरेडी हैं, जैसे पेंटॉप डी है, पेंटॉप डी पे गए, 10 स्ट्रिप आया, 10 स्ट्रिप डाल दीजिए, एक्सपायरी इसका बैच कुछ भी हम ऐसे ही नॉर्मल फिट कर दे रहे हैं। ये आपका 12/19 इसकी एक्सपायरी डाल दिया, सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद रिसीव कर देंगे स्टॉक में अपने,
इन हो गया। अगर कोई आइटम भी आपको ऐड करना है तो यहाँ से आइटम न्यू ऐड कर सकते हैं। ये पर्चेज यहाँ से हम अपना चढ़ा सकते हैं। क्लोज करते हैं परचेज को। नेक्स्ट है परचेज रिटर्न। अगर सप्लायर्स को कुछ रिटर्न्स करना है एफ टू करेंगे। रिसिप्ट नंबर अगर है तो रिसिप्ट नंबर डालेंगे तो ये वो इनवाइस यहाँ पे आ जाएगी। नहीं है तो आप नॉर्मल यहाँ सर्च कर सकते हैं। पेन टॉप है, पेन टॉप में ये पूछ रहा है किस बैच को आपको रिटर्न करना है। दो स्ट्रिप करना है, दो स्ट्रिप हमने कर दिया। सेव करके रिटर्न पे क्लिक कर देंगे, ये रिटर्न बन जाएगा। प्रिंट दे सकते हैं आप, रिटर्न का प्रिंट दे देंगे। ये प्रिंट आप दे सकते हैं रिटर्न करते समय। ट्रांजैक्शन में रिपीट करेंगे, फिर जाएंगे सेल्स में। जो हमारा इनवाइस जनरेट होगा यहाँ से होगा। अगर कोई पार्टी है तो एफ टू करेंगे। पार्टी एक्स वाई जेड मेडिक हो जाए, यहाँ पे जो भी उनको देना है आइटम्स यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। जैसे पेन टॉप है, हमने पी जो प्रेस किया, पी से रिलेटेड जितने हैं आ गए। ये पूछ रहा है किस बैच का आपको देना है। जो भी बैच है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। हमने अगर 10 स्ट्रिप इन्हें देना है 10 स्ट्रिप कर लेंगे। ए टू जेड सिरप हमने प्रेस किया, एंटर किया। क्वांटिटी अगर आपको डालना है तो क्वांटिटी पे जाके क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं। कुछ डिस्काउंट देना है, डिस्काउंट यहाँ आइटम वाइज दे सकते हैं। टोटल पे डिस्काउंट दे सकते हैं, अमाउंट में दे सकते हैं, टोटल पे डिस्काउंट दे सकते हैं। एक दो आइटम्स और हम फिट करते हैं यहाँ। रेंटोसिट 40 mg, क्वांटिटी 5, कैंडिड लोशन। एसी लॉक नहीं है। बेंटली सीधा इस तरह से आप इनवाइस जनरेट कर लेंगे। अगर कुछ टोटल बिल पे डिस्काउंट देना है, यहाँ गए डिस्काउंट इनकम 10% फिल कर दिए। प्रिंट करना है, F1 बटन दबाएंगे, सीधे प्रिंटर से वो प्रिंट हो जाएगा बिल। अगर आपको स्क्रीन पे देखना है तो प्रिंट 3 इंच छोटा देखना है बिल फॉर्मेट, तो छोटे फॉर्मेट का ये है। कंपनी नेम, डिटेल्स, बैच नंबर, एक्सपायरी, क्वांटिटी, प्राइस, ये डिटेल सारे आ जाएंगे। GST का डिटेल्स आ जाएगा नीचे। A5 में आपको देखना है, A5 का प्रिंट देखना है तो A5 पे क्लिक कर देंगे। A5 पे आपकी एक्सपायरी, आइटम्स नेम, एक्सपायरी, HSN, क्वांटिटी, प्राइस, GST और डिटेल, नीचे सारी डिटेल्स आ गई आपकी। ऐसे आप भी इनवाइस जनरेट यहाँ से कर सकते हैं। इनवाइस जनरेट करते समय आपको कोई आइटम भी ऐड करना हो तो ऐड आइटम पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ से आइटम न्यू ऐड कर सकते हैं। या कोई आपका सेल्समैन है, सेल्समैन यहाँ से आप दे सकते हैं। हमने दिलीप को दे दिया, दिलीप भी पूछ रहा है सारे में, हर आइटम में दिलीप सेल्समैन यहाँ पे फिट हो गए, सेल्स पर्सन आ गए। प्रिंट दे देंगे, बिल निकल जाएगा। वो वैसे ही आपकी सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न यहाँ से जो भी आएगा सेल रिटर्न कर लेंगे। अगर इनवाइस नंबर है तो इनवाइस नंबर जो हम यहाँ पे डालेंगे, वन नंबर इनवाइस डाला, वन नंबर सिलेक्टेड जितने आइटम्स थे ये हमारे आ गए। अगर इस आइटम को रिटर्न करना है, कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो यहाँ से जिस आइटम को रिटर्न करना है इसको डिलीट कर देंगे। हमने एक आइटम रिटर्न करना है, इसमें से एक आइटम हम रिटर्न कर लिए, प्रिंट दे देंगे, वो आइटम्स रिटर्न हो गया। प्रिंट आप दे सकते हैं उनको, नॉर्मल एक प्रिंट निकल जाएगा। उसके बाद वाउचर्स हैं, वाउचर्स की एंट्री यहाँ से होगी पेमेंट्स के लिए। परचेज आर्डर यहाँ से आप जनरेट कर सकते हैं, पार्टी नेम डाल देंगे,
नंबर राउटर बिट नंबर डाल दीजिए। यहाँ से हमने 10 स्ट्रिप मंगानी है, 10 स्ट्रिप डाल दीजिए। सार्टेल का 10 स्ट्रिप मंगाना है, 10 स्ट्रिप यहाँ फिल कर दीजिए। ये आपका परचेज ऑर्डर यहाँ से जनरेट हो जाएगा, अप्रूव कर देंगे। प्रिंट उनको पीडीएफ में आप सेंड कर सकते हैं, आप प्रिंट भी भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में फिर चलान, कोटेशन, सेल्स ऑर्डर यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं सारे। चलान क्रिएट करना हो यहाँ से चलान आप जनरेट कर सकते हैं। कस्टमर जो भी आपके कस्टमर हैं, अगर कोई कस्टमर है, कस्टमर यहाँ से डाल लीजिए। पेंटो सीट 10 स्टेप जा रहा है, सेव कर लीजिए, अप्रूव कर दीजिए। वो आपका एक चलान जनरेट हो जाएगा। अगर आप व्यू देखना चाहते हैं, F2 करेंगे यहाँ पे, चलान का व्यू ये आ जाएगा, चलान का व्यू आपका जनरेट हो जाएगा। उसके बाद कस्टमर को कुछ बोनस देना चाहते हैं, बोनस से रिलेटेड चीज़ें हैं, बोनस जनरेट हो जाएगा कस्टमर का। स्टॉक, इन्वेंट्री, अकाउंटिंग, परचेज, रिटर्न, ये सारे आपके लिस्ट दिखेंगे यहाँ पे। ये आपका रिपोर्ट्स है, सेल से रिलेटेड रिपोर्ट्स है, सेल रिपोर्ट्स देखना है आपको। सब ब्रांड वाइज, सेक्शन वाइज, सब सेक्शन वाइज यहाँ पे आप डाल फिल कर सकते हैं। इनवाइस वाइज, दिन भर में हमारे कितने इनवाइस कटे, इनवाइस से रिलेटेड डिटेल आ गई, इनवाइस नंबर, टैक्स, कैश कार्ड जो भी होगा यहाँ डिटेल आ जाएगी। आर्टिकल वाइज कौन कौन से आइटम हमारे सेल हुए, A to Z, ओरेंटो से, कॉलपॉल, थायरॉक्स, पेंटॉपडी, ये सारे डिटेल्स आपके यहाँ पे आइटम वाइज आ जाएंगे। उसके बाद सेल समरी देखना चाहते हैं, सेल समरी पे गए, सेल समरी पे क्लिक कर दिए, हमारा आज का क्या सेल हुआ, कैश में, कार्ड में, सारा डिटेल यहाँ पे आपका कैश कार्ड सेल रिटर्न सारी डिटेल्स आ जाएगी। जैसे अभी कार्ड आ गया, सेल रिटर्न जो हुआ है ये आ गया, और सेल से रिलेटेड बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, सेक्शन वाइज, परचेज वन वर्सेस सेल, प्लस GST से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं सेल की। सेल के बाद हम देखेंगे GST रिपोर्ट्स, अगर GST R1 HSN वाइज देखना है, B2C देखना है, B2B देखना है, B2C लार्ज देखना है, या कंबाइंड रिपोर्ट देखनी है, तो कंबाइंड पर क्लिक करेंगे, कंबाइंड रिपोर्ट्स आ जाएंगी। B2B पार्टी नेम, GST नंबर, डेट, इनवाइस नंबर, इनवाइस वैल्यू, इनवाइस टाइप, HSN, अमाउंट्स, टैक्सेबल अमाउंट, ये सब आपकी GST से रिलेटेड CGST, IGST सारी डिटेल्स आ जाएंगी। वैसे B2C का है, B2C लार्ज का है, B2C स्मॉल का है, रिलेटेड है, सारी यहाँ डिटेल आपकी आ जाएगी टोटल। उसी तरह से GST R2 का भी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा, सेम टाइप में कंबाइंड डिटेल्स रिपोर्ट आ जाएगी GST 2 की, R2 की। अगर आपको टेम्पलेट चाहिए एक्सेल वाली, तो यहाँ जनरेट करेंगे तो यहाँ से टेम्पलेट और CSV फाइल जनरेट हो जाएगी। परचेज से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, ये सारी परचेज से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, परचेज रजिस्टर, आज हमने क्या क्या किससे परचेज किया, कितने अमाउंट का टोटल रजिस्टर्स आ जाएगा। कौन कौन से आइटम्स वाइज डिटेल देख सकते हैं, आइटम्स वाइज डिटेल्स आ जाएंगी, कौन कौन आइटम्स आज परचेज हुआ, कितनी कितनी क्वांटिटी, किस सप्लायर से क्या टैक्स था, क्या नेट रेट था, और बहुत सारी परचेज से रिलेटेड रिपोर्ट से हैं। आप हर रिपोर्ट्स को एक्सेल में भी ले सकते हैं, यहाँ पे एक्सेल जाके आप क्लिक कर देंगे, एक्सेल में वो रिपोर्ट चली जाएगी। स्टॉक रिपोर्ट से आपको एक्सपायरी देखना हो, फ्रॉम डेट टू डेट, टू डेट तो एक्सपायरी देख सकते हैं, ये यहाँ से आइटम वाइज, बैच वाइज, एक्सपायरी वाइज रिपोर्ट्स आ जाएगी।
आपको एक्सपायरी वाइज करना है तो एक्सपायरी वाइज भी आप वहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। ये आपका स्टॉक रिपोर्ट्स है, ये टू डेट सिर्फ बैच नंबर एक्सपायरी डेट परचेज क्वांटिटी सेल क्वांटिटी क्लोजिंग बैलेंस सेल पे प्राइस स्टॉक स्टॉक परचेज वैल्यू स्टॉक सेल वैल्यू मार्जिन्स कालपाल 600 mg एक्सपायरी 19 की है 21 की दोनों अलग अलग आपको डिफाइन हो गई है। टोटल देखना हो आइटम वाइज सेल तो यहाँ आइटम वाइज देख सकते हैं। ये आइटम वाइज आपकी सेल रिपोर्ट आ जाएगी। अगर हमें एक्सपायरी देखना है फ्रॉम 0 10/2019 से 04/2021 के बीच के जो भी आइटम्स है उसकी एक्सपायरी देखना है तो आप यहाँ पे गए, ये जो भी 19 और 20 21 के बीच में एक्सपायरी है वो आ गए। अगर आपको केवल 20 तक देखना है तो 20 यहाँ पे 19 कर दीजिए 20 कर दीजिए, 20 से रिलेटेड जो भी एक्सपायरी होगी वो आपको शो कर जाएगी। इसके बाद ये कस्टमर्स लेजर्स हैं, कस्टमर सप्लायर्स लेजर्स हैं, सप्लायर्स का डिटेल अकाउंट देखना है अप टू करेंगे यहाँ पे। एबीसी फार्मा का जो भी डेबिट क्रेडिट्स होगा वो आपको लेजर्स में शो कर जाएगा। हमने परचेज किया है 1751 रुपये का, हमारे पास क्रेडिट है 1751 रुपये 22 पैसे है। इसी तरह कस्टमर का भी डिटेल्स आ जाएगा, कैश का भी, बैंक का सारा डिटेल्स यहाँ से लेजर से मिल जाएगा। कस्टमर से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, कौन कस्टमर हमारे पास से क्या ले गया कितना ले गया, कस्टमर से रिलेटेड रिपोर्ट्स हैं, कस्टमर वाइज रिपोर्ट्स। सेल्स पर्सन वाइज रिपोर्ट्स हैं, बिल काउंटर वाइज रिपोर्ट्स हैं, किस काउंटर से हमारा क्या सेल हुआ, किस यूजर ने क्या सेल किया, यहाँ से काउंटर वाइज रिपोर्ट्स देख सकते हैं। हमने 1294 रुपये का सेल किया जिसमें 74 रुपये का सेल रिटर्न है, टोटल 1220 रुपये दिला रहा है। ये मास्टर्स पैरामीटर्स हैं, यहाँ से आप डिस्काउंट परसेंटेज वगैरह टैक्स इंक्लूसिव 0 पे बिल अलाउड करना है नहीं करना है ये सारा यहाँ से आप यस नो कर सकते हैं। मैसेज पैक है, यहाँ से आप मैसेज पैक जनरेट कर सकते हैं, जो भी आपका मैसेज पैक होगा यहाँ से मैसेज पैक डाल सकते हैं जिससे एसएमएस आपका बिलिंग पे एसएमएस आता रहेगा कस्टमर को। यूजर मैनेजमेंट है, यहाँ से यूजर से रिलेटेड यूजर न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यूजर जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से यूजर क्रिएट कर सकते हैं, कुछ भी यूजर आपको देना है। यूजर थ्री जनरेट कर दिया, सेव कर दिया। यूजर थ्री को जो रोल देना होगा यहाँ पे आप रोल असाइन कर देंगे। इस तरह ये सॉफ्टवेयर मेडिकल स्टोर में रिटेल और होलसेल के लिए यूज होता है। इसमें आपकी सारी सेल परचेज स्टॉक इन्वेंट्री प्लस जीएसटी से रिलेटेड रिपोर्ट्स आपकी हैं, हर तरह का रिपोर्ट्स आपको मिलेगा।